आइसोमेट्रिक नई न्यू क्लास स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम क्या चीज़ देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक प्रोडक्ट है हमारे पास, ये हमारे पास एक ड्राइंग दी हुई है। इसमें हम पढ़ते हैं, सबसे पहले ऊपर क्या दिया हुआ है, पढ़ सकते हो ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू फ्रॉम द गिवन ऑर्थोग्राफिक व्यू। अब हमें यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू भी दिया हुआ है और ऑर्थोग्राफिक व्यू भी दिया हुआ है। जैसे हम इस पर फोकस करेंगे तो ये देख के समझ में आ रहा है कि ये क्या है, हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है, ये इसी का ऑर्थोग्राफिक व्यू दे रखा है। सो अगर हमें इस आइसोमेट्रिक व्यू को क्रिएट करना है तो डायमेंशंस और एलिमेंट्स हमें इस दोनों ड्राइंग से लेने पड़ेंगे। सेम मैनर में अब अगर हमें ये वाला एलिमेंट क्रिएट करना है तो इसके लिए भी हमें डायमेंशंस और ये इन दोनों एलिमेंट से लेने पड़ेंगे। सो हमें ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनानी है। डायमेंशन डिटेल हमें यहाँ ऑर्थोग्राफिक व्यू में दे रखी है, ये इसका फ्रंट व्यू दे रखा है और ये इसका एक साइड व्यू दे रखा है, ठीक है। अब इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना ऑटोकैड ओपन करते हैं। यहाँ से अपनी एक न्यू फाइल लेते हैं, हमने एक एकैड आईएसओ टेम्पलेट को ओपन किया। अब यहाँ पे सबसे पहले काम आइसोमेट्रिक में जाने का, तो उसके लिए डीएस एंटर किया, ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में गए, स्नैप एंड ग्रिड पे गए और आइसोमेट्रिक स्नैप को ऑन कर लिया, ओके कर दिया, ठीक है। ऑन करने के बाद अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं इसको क्रिएट करना। आइसोमेट्रिक में हमें डायमेंशन वैल्यूज किसी भी एक एलिमेंट से लेनी पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं ये वाला शेप क्रिएट करना चाहता हूँ। इसमें दिख रहा है आपको ये वाला शेप, ये शेप मैं क्रिएट करूंगा। इस शेप को क्रिएट करने के लिए इस साइड की डिटेल आप देखोगे तो यहाँ दी हुई है, ठीक है। सो हम ये वाला शेप क्रिएट करेंगे, ओके। इस शेप को क्रिएट करने के लिए हम अपना कैड ओपन करते हैं, लाइन कमांड का यूज करेंगे, एल एंटर किया हमने। एल एंटर करने के बाद इसकी ये लेंथ आप देख सकते हो कितनी दे रखी है, फिर ऊपर की हाइट 75, फिर ये विड्थ 60, फिर ये ड्रॉप 45, फिर ये विड्थ 15 और इसको इससे अटैच करेंगे। सो अब हमने एल एंटर किया, लाइन कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया, ऑर्थो को ऑन किया, ये लेंथ ली हमने, कितनी की दे रखी है हमें 87 की। सो हम यहाँ से कैट पे आते हैं, 87, फिर हाइट हम देखते हैं कितनी दे रखी है हमें 75 की, ऊपर की तरफ माउस लेके गए 75। उसके बाद विड्थ हमें दे रखा है 30 की, यहाँ से हमने ड्रॉप लिया 60, सॉरी विड्थ हमारी 60 की थी, फिर ड्रॉप लिया हमने 45 का, फिर आगे की तरफ की विड्थ 15 दे रखी है और इसको हमने सी एंटर करके इससे क्लोज कर दिया। सो देखो ये शेप तैयार हो गया। अच्छा अब ऐसे ही शेप यहाँ पे भी आउटर में आ रहा है हमारा, इससे और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है आप देखो 120। सो मैंने क्या किया, वापस से लाइन कमांड लिया, यहाँ पे गए। अब मुझे लाइन को इस बैक एक्सेस में लेके जाना है, जेड एक्सेस में, जो कि मैं अभी नहीं लेके जा पा रहा। तो इस पे जाने के लिए हमें अपने प्लेन को बदलना होगा। प्लेन बदलने के लिए हम कमांड का यूज करते हैं F5। मैंने F5 दबाया, अब आप देख सकते हो हमारा डायरेक्शन पलट गया, माउस पीछे की तरफ जा रहा है। कितना लेके जाना है हमें 120, तो 120 लिख के हमने एंटर कर दिया। तो आप देखो एक लाइन आ गई। अब ऐसे ही और मल्टीपल लाइन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी, और इसको कॉपी करके जितने भी एज पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट पे रख देंगे। हो गया तैयार ये। इसके बाद यही शेप मुझे इधर भी कॉपी करके रखना है। सो कॉपी करके रखने के लिए मैं अगेन कॉपी कमांड पे गया, मैंने एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया, एंटर किया, मैंने इस पॉइंट से उठाया और इसके एंड पे ड्रॉप ऑफ कर दिया। सो देखो ये शेप तैयार हो गया हमारा। ये शेप तैयार करने के बाद अब अगर आप ड्राइंग में देखोगे इसमें इनर के एलिमेंट्स हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहे, ठीक है। तो हमें यहाँ से भी इनके इनर एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके डिलीट करना होगा, जो कि हमने कर दिया। इतना करने के बाद अब हमने क्या करना है, इस पे ये कट क्रिएट करना है। दिख रहा है आपको ये कट, ये कट कैसा है आपका, कट की लेंथ हमें दे रखी है कितनी है 60, इसकी ड्रॉप दे रखी है ऊपर से 15, टोटल लेंथ कितनी है हमारी 120। अगर 60 120 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 60 को दोनों तरफ हाफ हाफ डिवाइड करेंगे तो 30 का गैप एक तरफ होगा, 30 का दूसरी तरफ होगा। सो मैंने क्या किया, कॉपी कमांड यूज किया, सी ओ एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हमने, एंटर किया, हमने यहां से पिक किया
आगे की तरफ रखा, कितना गैप था हमारा पहला 30 का, 30 के बाद 60 की लेंथ थी, तो टोटल गैप कितना हो गया 90। यहां से गैप तो यहीं से कंसीडर करेगा, या तो आप इधर से 30 के गैप पे रख दो या यहां से 90 पे रख दो, एक ही बात है, देख दिया हमने। अब जो ड्रॉप है कट की वो कितनी ड्रॉप है 50। तो हमने क्या किया, कॉपी कमांड यूज किया, इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, कहां से, यहां से कॉपी किया हमने, किधर ड्रॉप करना है हमें, नीचे की तरफ, प्लेन को बदला हमने, F5 दबाया, नीचे की तरफ कितना 15 लिख के एंटर कर दिया। तो आप देखो ये शेप आ गया हमारा। इतना करने के बाद TR डबल एंटर, एक्स्ट्रा एलिमेंट को यहां से आप ट्रिम कर दो। देखो यहां तक शेप तैयार हो गया हमारा। अच्छा अब जो ये कट है आप देख सकते हो, ये पूरा कट नहीं है, ये पूरा कट नहीं है, पीछे तक इसमें गैप छूटा हुआ है कुछ। ये गैप कितना छूटा हुआ है आप यहां से देखो, टोटल विड्थ 15 थी, ये गैप कितना छूटा हुआ है इसमें 8 का, सो हमें यहां पे भी गैप 8 का छोड़ना होगा। तो हमने क्या किया, कॉपी कमांड यूज किया, सी एंटर के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर करके पॉइंट दिया, यहां से प्लेन बदला, F5 दबाया, आगे की तरफ आए, कितना गैप चाहिए हमें 8 लिख के एंटर कर दिया। आगे अब ट्रिम कमांड पे गए, TR डबल एंटर, जिसकी जरूरत नहीं है उसको ट्रिम कर दिया। सो देखो आप इतना शेप रेडी हो गया हमारा, बताइए क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब इसमें भी आप देखोगे ट्रायंगुलर कट लग रहा है, ये दिख रहा है लाइन दिख रही है, एक्स वाई जेड एक्सिस को दिखाती है। इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, लाइन कमांड लेनी है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन नीचे उतार देनी है, कितनी लेंथ की हमें लेंथ नहीं पता, आप इतनी उतारो कि इसके पास आ जाए, एस्केप कर दिया, अगेन लाइन कमांड पे गया, यहाँ से जहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है यहाँ तक की लाइन बना दी मैंने, अगेन लाइन कमांड पे गया मैं, और दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन दी और आगे तक बना दी। तो देखो ये तीन एजेस तैयार हो गए हमारी। इतना करने के बाद हमने क्या किया, TR डबल एंटर, और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है इनको ट्रिम कर दिया हमने, क्लियर है। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये सर्कल कितने का है भाई हमारा, देखो आप सेंटर बना हुआ 38 का। अब आइसोमेट्रिक की प्रीवियस क्लास में बताया था कि सर्कल रेक्टेंगल कमांड यूज नहीं करते, तो सर्कल कमांड नहीं यूज करते, बनाना तो हमें सर्किल ही है, तो इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, आइसो सर्कल। आइसो सर्कल की शॉर्टकट क्या होती है, ई एल एंटर। ई एल एंटर किसी और चीज के लिए पढ़ा अभी हमने या नहीं, एलिप्स के लिए, एलिप्स में ही आइसो सर्कल बनता है हमारा, ठीक है। लेकिन आइसो सर्कल एलिप्स में सिर्फ आइसोमेट्री और 3D में ही बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो हमें आइसोमेट्रिक ऑन करना पड़ेगा आइसो सर्कल बनाने के लिए, आइसोमेट्रिक ऑन है हमारा। अब हमने ई एल एंटर किया, जैसे ई एल एंटर करेंगे यहाँ पे देखो आएगा आर्क सेंटर और आइसो सर्किल, तो हमने आई एंटर किया और देखो आइसो सर्किल का सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, सेंटर पॉइंट मैंने बताया ऊपर यहाँ पे। तो अब देखो सर्किल तैयार हो रहा है हमारा। अभी ये सर्किल कौन से फेस पे बन रहा है, टॉप पे, हमें करना क्रिएट किधर है इसको, फ्रंट की साइड। तो प्लेन को बदलना होगा मुझे, प्लेन बदलने के लिए हम क्या दबाएंगे, F5। अब देखो सही आ रहा है, कितने का चाहिए था हमें 38 लिख के एंटर कर दिया हमने, आगे 38 का एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम करके हटा दिया, यहाँ तक का क्लियर है। अच्छा अब मैंने एक काम और किया, कॉपी कमांड पे गया, मैंने वाली एज को यहाँ से कॉपी करके इधर भी रखा और इधर भी रखा, क्योंकि इसकी एज पर टक्कर दिखेगी हमें यहाँ पे ये वाली। अब ये इसकी विड्थ पूरी नहीं है, इसमें भी गैप आएगा, कितने का गैप है आप देखो दोनों तरफ से। सो हमने कॉपी कमांड दिया, इसको कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया, मैं एक्स एक्सिस की तरफ लाना चाहता हूँ, तो प्लेन को मैंने शिफ्ट किया इधर की तरफ, आगे की तरफ आया, 15 पे एंटर, फिर 30 का इसके बाद गैप है 15 का, तो 15 प्लस 30 45 पे गैप पे रख दिया, ये आ गया। अब ये जो कट है हमारा आप देख सकते हो पूरी डेप्थ पे तो नहीं है, कितना गैप है इसका, वो गैप यहाँ से पता चल जाएगा हमें, ये टोटल कितना है, ये कितना है 120 में से 96 घटा दो 24 का हाफ करेंगे तो 12 करेक्ट। तो कॉपी कमांड पे गए, इस एज को सेलेक्ट किया, यहाँ से प्लेन बदला आगे की तरफ, 12 एंटर, 12 पे कॉपी कर दिया, एस्केप किया, वापस से एज को सेलेक्ट किया, इधर ले गया 12 एंटर। एस्केप करने के बाद जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उनको ट्रिम कर दो,
हो गया शिफ्ट तैयार है, कॉपी कमांड पे गए, यहाँ से कॉपी करके इनको इधर रख दो आप, ये शिफ्ट भी आ गया हमारा। एक्स्ट्रा एलिमेंट को हमने क्या किया फिर, तो अब देखो शेप इतना तैयार हो गया, बनने लगा हमारा शेप कुछ इस तरीके से। अब इस शेप के लिए आप देख सकते हो यहाँ अंदर से एक कट लाइन आ रही है, दिख रहा है ना। सो हमने एल एंटर किया, यहाँ से लाइन ली, ड्रॉप किया नीचे की तरफ। अब ये ड्रॉप कितना है भाई, यहाँ तो दिखा नहीं रखा हमें, यहाँ दिखा रखा है ड्रॉप है 23 का, तो नीचे आया 23। यहाँ से हम स्ट्रेट आगे आ गए इस यहाँ पे, अगेन लाइन कमांड पे गए, यहाँ से हमने प्लेन बदला इधर पे आ गए, वापस से लाइन कमांड पे गए, यहाँ से प्लेन बदल के इधर आ गए। अब एक्स्ट्रा एलिमेंट को हमने ट्रिम कर दिया, तो आप देखो ये शेप तैयार हो गया हमारे पास। इस तरीके से आइसोमेट्रिक में हम अपने 3D एलिमेंट्स की आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं, जब हमें 2D ड्राइंग्स दे रखी। आइसोमेट्रिक में आता क्लियर है।